हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को 10वीं कक्षा टर्म 2 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। हिमाचल बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में टॉप 10 में सिर्फ 2 लड़कों को स्थान मिला है, जबकि 8 लड़कियों ने टॉप 10 में जगह बनाई है। हिमाचल बोर्ड 10वीं की परीक्षा में कुल्लू की मानवी ने 694 अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया, जबकि हमीरपुर की दीक्षा कटियाल 693 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही। तो वहीं हमीरपुर का अक्षित शर्मा 692 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। 10वीं कक्षा में इस बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है और परीक्षा परिणाम में सरकारी स्कूलों के मुकाबले निजी स्कूलों का दबदबा रहा। जिले के तौर पर अगर बात की जाए तो 10वीं कक्षा के परिणाम में हमीरपुर जिला प्रदेश में सबसे आगे रहा। हमीरपुर जिला का परीक्षा परिणाम 96.35% रहा। बिलासपुर 92.77%, चंबा 82.28%, कांगड़ा 94.36%, किन्नौर 84.32%, कुल्लू 85.55%, लाहौल स्पीति 87.01%, मंडी 93.11%, शिमला 90.29%, सिरमौर 79.10%, सोलन 87.99%, ऊना जिला का परीक्षा परिणाम 90.08% रहा। बोर्ड सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि 10वीं कक्षा में टर्म 1 और टर्म 2 में 90,635 विद्यार्थियों ने परीक्षाओं में भाग लिया था। शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश और अपनी ओर से मैं आज कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित किया है कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग 10वीं कक्षा का जो मार्च 2023 सत्र में जो हमने एग्ज़ाम लिया था, आज उसका रिज़ल्ट जो है वो हम घोषित कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कुल 91,440 छात्र अपेयर हुए थे, जिसमें से 81,732 बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, 7,534 बच्चे फेल हुए हैं, 1,682 बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। कुल रिजल्ट जो है इसमें 89.7% रहा है। बता दें कि पिछले साल 10वीं कक्षा का परिणाम 29 जून को घोषित किया गया था। रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई है। उन्होंने बताया कि इस साल 91,440 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें से 81,732 ने परीक्षा पास की है। 1,682 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट के लिए नामित किया गया है। वहीं 7,534 विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल हुए। इस साल 10वीं कक्षा का परिणाम 89.7% दर्ज किया गया है। सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने कहा कि जो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का पूर्ण मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, वो 9 जून तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्ण मूल्यांकन के लिए संबंधित विषय में कम से कम 20% अंकों का होना अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।